everyone. I am Mr. Prem Roy. Now I am teaching class 11. See, today's my topic is trigonometric function. Or the topic used for as sum and difference of angles. Sum and difference of angles. ठीक है? तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे जिसका यूज होगा इस एक्सरसाइज में. ठीक है, ताकि आपको पता रहे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है. तो पहला फॉर्मूला ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है, अगर आप यहां माइनस करेंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर आप इसे माइनस करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. यानी ऊपर ऊपर का एक फॉर्मूला, नीचे नीचे का एक फॉर्मूला. क्लियर? थर्ड, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए. टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी. ठीक है, आपको फिर से बता दें स्टूडेंट्स, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा. यानी नीचे नीचे का एक फॉर्मूला, ऊपर ऊपर का एक फॉर्मूला, ऐसे याद रखिएगा. इन छह फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, कॉट वाला का बहुत ही कम यूज है, जहां पर आएगा हम लोग बताएंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने ये सारा फॉर्मूला प्रूव किया है अपने पिछले वीडियो में, तो आप जरूर देखें कैसे मैंने सारा फॉर्मूला को प्रूव किया. और इस एक्सरसाइज में अब बढ़ेंगे आगे नए नए क्वेश्चंस के साथ. तो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो आप देख चुके हैं, अब चलिए इसका यूज करें. पहला क्वेश्चन है साइन 15. साइन 15 डिग्री है ना, तो यहां पे क्या करेंगे, हम ऐसे दो एंगल के बारे में सोचेंगे जिसका वैल्यू पता है और डिफरेंस उसका 15 आता हो. तो ऐसा दो दो वैल्यू अपने पास है, एक 60 और 45 है, दूसरा 45 और 30 है. ये दोनों डिग्री हमें पता होता है, तो चलिए 60 और 45 का यूज करते हैं. ऐसे किसी का भी यूज करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा. ठीक है, तो साइन 60 माइनस 45 यानी यहां जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा साइन ए माइनस बी का, हो क्या जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी. तो बच्चों बताइए कुछ गलती फॉर्मूला में आपको दिख रहा है ना, हमें भी दिख रहा है. यहां माइनस तो यहां भी क्या होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए. ओके, चलिए देखिए. तो ए के सीट पे कौन है, 60 है, और बी के सीट पे कौन है, 45 है. तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी, बी कौन है 45, माइनस कॉस ए यानी कॉस 60, साइन बी यानी साइन 45. जहां ए है वहां 60, जहां बी है वहां 45. ओके, तो हमने इस फॉर्मूला का यूज किया. अब इसको मिटाते हैं और कैलकुलेशन करते हैं. साइन 60 का वैल्यू बताइए आप, तो बिल्कुल सही सोच रहे, रूट 3/2. कॉस 45 का बताइए, फिर आपने सही सोचा, 1/√2. ये सब तो वैल्यू आपको पता ही है, कॉस 60 का 1/2, साइन 45 का 1/√2. क्लियर? तो यहां आप देख सकते एलसीएम दोनों का सेम है, 2√2. ओके, तो ऊपर हो गया √3 − 1. समझे? इसको और आप एक्सपेंड कर सकते हैं और वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, डिसनलाइज करके √2 √2. ये √2 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, √3 = √6, √2 = √2, और नीचे √2 √2 √2 = 4. तो ये भी एक आंसर है. ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे और अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन. साइन 75 है. अब 75 के बारे में सोचिए, दो ऐसे एंगल का वैल्यू जिसका वैल्यू आपको पता हो और जोड़ने पे 75 आता हो. तो आई थिंक आप सोच चुके हैं वह है 45 और 30. अगर और कोई है तो बताइए जिसका वैल्यू आपको पता हो. श्योर आपको नहीं पता है कि जिसका वैल्यू मालूम हो और जोड़ने पे 75 हो, यही दोनों है और कोई भी नहीं है. तो यहां यूज होगा साइन ए प्लस बी
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। तो ए का सीट पे 45 और बी का सीट पे 30, ए 45 बी 30, तो जहां ए है 45 जहां बी है 30 कर लीजिए, तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, तो यहां हमने वैल्यू रख लिया है और अब सिर्फ कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, साइन 45 यानी 1/√2, कॉस 30 यानी √3/2। ओके आपको वैल्यू याद है, वेल आई विल नो, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2 ना, जब नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, जब नीचे का एलसीएम वही रह गया जो डीनो ही है तो ऊपर भी वही रह जाएगा √3+1। तो आइए अब क्या करेंगे हम लोग, डेसिमलाइज करेंगे, √2/√2। ओके √2 × √3 क्या हो गया, √6, √2 × √2 और नीचे 4 कैसा है, √2 √2 बन गया और 2 × 4 हो गया, इस तरह आंसर आ गया √6 + √2/4। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 10-15 का। 10-15 में क्या है, फिर वही बात, इसे हम लोग कर लेंगे 60 − 45, ठीक ना, आप 45 − 30 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए का वैल्यू हो गया 60, बी का वैल्यू हो गया 45 और 10a − b का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहां पे। तो मिस्टर गौतम आप बताइए 10a − b का फॉर्मूला, 10a − 10b 1 + 10a × 10b, क्लियर, तो हो जाएगा 10a के सीट पे 60 −10b तो 10 = 45, 1 − − नहीं + 10a × 10b 10 = 60 × 10 = 45, क्लियर। तो अब इस फॉर्मूले को मिटाएंगे ताकि हम लोग यहां वैल्यू पुट कर सके और 10 = 60 का वैल्यू आपको मालूम है कि √3 होता है, 10 = 45 1 फिर √3 फिर इंटू 1, तो आपको दिख रहा है √3 − 1 नीचे जाओगे √3 + 1। आप रेशनलाइज वगैरह भी कर सकते हैं, इतना भी रुक सकते हैं। तो ये 10-15 का वैल्यू आ गया, 10-75 का वैल्यू आप निकालेंगे खुद से, और भी जो क्वेश्चन है आपके बुक में आप उसे बनाए। तो इस तरह टाइप वन हो गया कंप्लीट, टाइप वन कंप्लीट। तो अब आ गया हम लोग के पास सेकेंड टाइप। इस सेकेंड टाइप में क्या है कि आपको साइन ए और कॉस बी किसी भी दो चीज का वैल्यू पता चलेगा, एक में एंगल ए होगा और एक में एंगल बी होगा, और ये भी क्लियर रहेगा कि ए क्या है, आखिर ए जो है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, बी भी वही है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, यानी ये ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। हियर ए एंड बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। स्टूडेंट आपको बता दें कि जैसे साइन ए मालूम है तो आपको कॉस ए भी मालूम होना चाहिए, कॉस बी मालूम है तो साइन ए भी साइन बी भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो साइन ए अपने पास है, बी है साइन ए 3/5 है ना, तो निकालना होगा कॉस ए। सोचिए साइन होता है 3/h, कॉस क्या होता है 2/h ना, तो h तो दोनों का सेम आ गया, h दोनों का सेम आ गया, और जो b का फॉर्मूला होता है वो होता है h² − p² यानी ऊपर याद रहेगा 25 − 9, इट मीन्स √16/5 बोले तो 4/5, इस तरह कॉस ए का भी आ गया, ठीक ना। और अपने पास क्या है, कॉस बी है जिसका वैल्यू है 9/41, तो निकालना होगा किसका, साइन बी का ना, तब तो इसका वैल्यू रख पाएंगे, इसका मान रख पाएंगे हम लोग साइन बी का। ये है b/h तो ये होगा p/h, p है h² − b² 41 का स्क्वायर कितना होगा,
1681 9 का स्क्वायर 81 बाई 41, यानी ऊपर आ जाएगा 1600 बाई 41। 1600 का मतलब क्या है, 40 बाई 41। तो इस तरह हम लोग अगर इस क्वेश्चन में tan होता ना तो tan भी निकालना पड़ता आपको, tan a भी निकाल लेते, वो तो निकालना आसान था, sin by cos is equal to tan। लेकिन tan नहीं निकालना है, इस वजह से tan हम निकाले भी नहीं है। अगर tan निकालना होता तो जरूर निकालते। तो cos a हमने निकाला और sin b हमने निकाला, अब इसका यूज करेंगे, इसको मिटाएंगे पहले। तो स्टूडेंट्स बनाते हैं तो पहला क्वेश्चन को, सारा वैल्यू अपने पास अब है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला आपको याद है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए कितना है, 3/5 है। ओके ओके अमित, समझ में आ रहा है आपको। कॉस बी है, कॉस बी यहां है ना, 9/41। देखिए मिस्टेक हो गया यहां पे, ऐसे ही हर वर्ग में मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक नहीं करेंगे आप। कॉस बी का वैल्यू रख देंगे 9/41। कॉस ए कितना है, 4/5 है। साइन बी कितना है, 40/41। ओके सारा सही वैल्यू आप सही जगह पर रखें, आंसर जरूर आएगा। यहां पर कोई कटिंग शटिंग होने वाला, यहां हो रहा है थोड़ा सा, बट काटेंगे नहीं, छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि अगर काट देंगे तो एलसीएम अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा। तो इतना हम लोग कॉमन सेंस रखेंगे कि काटने के बाद फिर एलसीएम लेके उसको उतना ही बनाना है, तो क्यों काटे। 5 1 5 5 4 20, तो एलसीएम हो गया 205, तो ऊपर वही रहेगा 27 और 160। क्लियर, अब जोड़ दिया जाए, 0 7 7 6 2 8 1 का 1 ही रह जाएगा, 187/205। और ऐसा उम्मीद है कि ये किसी से भी कटने वाला नहीं है, अगर कटेगा तो आप काट लीजिएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये कटने वाला कोई नंबर है। क्लियर, तो आप अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन हो गया साइन ए प्लस बी, तो अब देखेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जिसमें था कॉस ए प्लस बी, यही था ना, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, क्या है पता, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए कितना, 4/5 ना, कॉस बी कितना, 9/41, साइन ए कितना स्टूडेंट, 3/5 है, साइन बी कितना, 40/41 है। समझ में आ रहा है, आया आपको समझ में, लड्डू 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 बोल रहे कि हाँ समझ में आ रहा है, यहां कैलकुलेशन हो रहा है सिर्फ। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन सी वी हैव टू टेक एलसीएम हियर, 205 एलसीएम ले लेंगे, ठीक ना, और ये हो जाएगा 36 माइनस 120, यानी घटाना पड़ेगा यहां पे, 0 से 6 गया 4 और 1 से 3 गया 8, 84/205। और सोचिए क्या ये किसी से कटेगा, सोच लीजिए थोड़ा, तो आई थिंक ये कटने उठने वाला नहीं है, इसको इतना ही छोड़ देंगे। तो ये आंसर हो गया किसका, कॉस ए प्लस बी का। स्टूडेंट्स इसी तरह लोग साइन ए माइनस बी का निकालेंगे और कॉस ए माइनस बी का भी निकालेंगे, ठीक ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल जो था साइन ए माइनस बी का, फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, बीच में क्या होगा, माइनस होगा। ओके अमित, ओके अमर, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो कृष्णा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कृष्णा, वो है काला, तो हम लोग प्यार से उसको बोलते हैं कृष्णा काले। तो कृष्णा काले जी, साइन ए का वैल्यू क्या है, 3/5 है, कॉस बी का वैल्यू क्या है, 9/41, वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं यहां पे। ओके कृष्णा, समझ में आया आपको। कृष्णा का एक दोस्त है जिसका नाम गौतम है,
वो भी बहुत अच्छा लड़का है। कॉस ए का वैल्यू रखेंगे 4/5 और साइन बी का वैल्यू 40/41। उसका भी कुछ नाम है लेकिन नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छा लड़का है वो। मल्टीप्लाई कर लिया जाए 205, कितना आ गया 205। ओके स्नेहा 9 3 27 ना 160। चलिए घटा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस कर लिया जाए, कर लेते हैं। 0 से 7 गया तो 3, 5 से 2 गया तो 3, 133 माइनस में, तो इस तरह इसका भी आंसर आ गया। तो आप सारा वैल्यू इस टाइप से निकाल सकते हैं, 10a+b में निकाल सकते हैं, 10a-b भी सब कुछ आप निकाल सकते हैं। तो टाइप 2 का ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, cos 20 माइनस साइन 20 बाई cos 20 प्लस साइन 20 इज इक्वल टू लाना है tan 25। ओके देखिए हम लोग कैसे लाते हैं, प्रूफ दैट है LHS टू RHS हम लोग को जाना है। तो मान लीजिए स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, LHS यही है, जानते हैं क्या करेंगे, सबको cos 20 से डिवाइड कर देंगे, cos 20 बाई cos 20 माइनस साइन 20 बाई भी cos 20 ही रहेगा। ओके फिर cos 20 बाई cos 20, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे लाना है आपको tan ना, तो tan के फॉर्म में बदलना पड़ रहा है और कोई बात नहीं है। तो सबको cos 20 से डिवाइड किए, ये कैंसिल होके 1 हो गया, ये tan 20 बन गया, ये भी कैंसिल होके 1 बन गया और ये tan 20 बन गया, ठीक ना। तो स्टूडेंट्स आप ऊपर माइनस दिखा ना, दिखा माइनस, तो आप 10a-b का फॉर्मूला सोचिए क्या होता है, 10a-b का होता है tan a-tan b 1+tan a × tan b, ठीक ना। इस tan a के सीट पे कौन है, यहां पे 1 है, 1 तो 1 का आप डिग्री सोचिए, वैल्यू सोचिए क्या होता है, tan 45। नहीं समझे, आपको tan के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो इस सीट पे जो बैठा हुआ है उसका लिखना होगा कि tan के रूप में वो कितना है आखिर, तो 1 जो है tan 45 है, ठीक है, और नीचे 1+tan × tan b है ना, फॉर्मूला में tan a × tan b, यानी इससे tan कौन है मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे 1 छिपा हुआ है, तो 1 के जगह पे tan 45। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला का उदाहरण कर चुका है, tan a-tan b 1+tan a × tan b यानी हो गया tan a-b और घटा रहे आ जाएगा tan 25। तीसरा आंसर आ गया RHS, पहुंच गया मंजिल के पास, जो लाना था वो आ गया। तो ऐसे ही बहुत बार ऐसा हुआ कि ये ज्यादा वैल्यू होगा तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इसे देखिए और समझिए। तो स्टूडेंट्स वी हैव अ न्यू क्वेश्चन, cos 9 + sin 9 = √2 × sin 54 degree है, ठीक है, ऐसा है यहाँ पे। तो आप एक बात बता दें, जब भी आपको cos और sin दिखे ना, तो आपको एक काम करना है, सोचना है यहां पे क्या है, फिर यहां पे क्या है बच्चों, 1 है ना, दोनों 1 है, दोनों क्या है 1 है, यानी यहां पर परपेंडिकुलर है वो भी 1, यहां बेस है ये भी 1, तो एच क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1² + 1² √2 ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि रूट 2 नीचे भी देंगे और ऊपर भी देंगे, रूट 2 नीचे दे दिए ना, तो जब दोनों में नीचे रूट 2 दिए तो बाहर क्या देना होगा, आपको रूट 2 देना होगा। क्लियर, तो यहां पर आप समझ रहे हैं रूट 2 आखिर क्यों आया है, क्योंकि ये p था, ये b था, p² + b² 1+1 2 आ गया, जो रूट में था, तो रूट 2 हमने लिया बाहर भी और नीचे नीचे भी, ताकि कॉमन लेके रूट 2 कट जाए। आंसर में साइन थीटा है ना, तो कॉस के साथ साइन देना होगा, ये साइन 45 का वैल्यू है, फिर यहां साइन है तो ये कॉस होना चाहिए, कॉस 45, अगर ये कॉस होता ना तो कॉस के साथ कॉस ही देते,
साइन के साथ साइन ही रहता है क्योंकि कॉस वाले फॉर्मूला में है ऐसा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू माइनस साइन इंटू साइन बी, यानी कॉस के साथ दोनों कॉस दोनों साइन एक साथ है, कॉस मान लेंगे। साइन वाला में क्या होता है, कॉस साइन दोनों, कॉस साइन दोनों, ठीक ना। तो आपको दिख रहा होगा कि हो गया साइन ए प्लस बी, है ना, साइन ए टू कॉस बी, कॉस ए टू साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया यानी साइन 54। ये अपना राइट हैंड साइड है। तो स्टूडेंट्स बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, अब मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूंगा, मैं कुछ काम में फंस गया था, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो रेगुलर मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं जो 11th में है, 12th में है, 9th में, 10th में, सबको बताएं। ओके, धन्यवाद।